शादी में जाने के लिए वाहन के इंतजार में खड़े आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार ने 9 लोगों को रौंदा। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहन का इंतजार कर रहे 9 लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया है। हादसे में पिता बेटी समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए CHC ले गए, जहां से उन्हें सैफई रेफर कर दिया गया। पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। आपको बता दें, यह हादसा एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरेन के पास हुआ है, जहां रविवार को एक्सप्रेसवे पर माइल संख्या 137 के पास पुल पर कुछ लोग सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से कार आई और उसने 9 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। आपको बताते चलें, अपने ताऊ की पोती की शादी में शामिल होने के लिए परिवार के संग फतियाबाद जा रहे थे। 13 दिसंबर को शादी होनी थी। उनके साथ पत्नी कल्पना, 10 साल की बेटी गुनगुन, 3 साल के बेटे यश, चचेरे भाई सोनू की पत्नी अलका और उसकी 8 साल की बेटी आराध्या थी। एक्सप्रेस वे कट पर रामपुरा की रहने वाली आरती पत्नी सतीश, प्रियम पुत्री महेंद्र सिंह, राजेश पुत्र बटेश्वर, रवि पुत्र राजेश दिल्ली जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। 13 दिसंबर को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उमरेन पुल के निकट किलोमीटर संख्या 37 पर समय करीब अपराह्न 12:15 बजे दिन में सवारी वाहन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को लखनऊ की तरफ से अधिकतम स्पीड से आ रही हुंडई की औरा कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें कुल 10 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय अरवा कटरा थाना पुलिस व लोगों द्वारा उपचार एक मेडिकल कॉलेज सैफई व CSC अरवा कटरा तत्काल लाया गया था, जहां रमन सिंह उम्र 35 वर्ष व उनकी 9 वर्षीय पुत्री गुनगुन तथा आराध्या पुत्री सोनू सिंह निवासी पहाड़ी नगला थाना अरवा कटरा को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया है। रमन के ही परिवार के अलका सिंह, कल्पना सिंह, सूरज उम्र 10 वर्ष गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें डॉक्टरों द्वारा सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। शेष घायलों में प्रियल, आरती, राजेश तथा रवि निवासी गढ़रामपुरा थाना अरवा कटरा का भी उपचार मेडिकल कॉलेज सैफई में चल रहा है। मृत बच्चों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक रमन सिंह के ताऊ के पोती की शादी में ये लोग फतेहाबाद जा रहे थे, जहां 13 दिसंबर को शादी होनी थी। औरा कार संख्या 22BH7768B व चालक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों द्वारा तहरीर अभी नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है।